तो हेलो गाइस, नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त यश। और दोस्तों, आज के स्टूडियो में हम बात करने जा रहे हैं वन ऑफ टैंक स्प्लिट्स में टीयर 9 जापानीज हैवी टैंक के बारे में बात करने, जो कि है टाइप 68। जी हां दोस्तों, टाइप 68 काफ़ी अच्छा टैंक है ये भी यहाँ पे। लेकिन दोस्तों, कुछ कमियाँ हैं इसके साथ। कुछ लोगों ने डिमांड किया था कि टाइप 68 के ऊपर उनको वीडियो चाहिए। तो आइए देखते हैं टाइप 68 आखिर कैसा परफॉर्म करता है यहाँ पे। तो दोस्तों, ओवरऑल अगर मैं बताऊँ ना, तो टाइप 68 टाइप 71 की तरह ही है, काफ़ी अच्छा आर्मर कैरी करता है। लेकिन यहाँ पर डाउन साइड ये है कि इसका जो टरेट आर्मर है, जो कि आप देख सकते हैं ऊपर का टरेट है, ये काफ़ी वीक है। हम सब चीज़ के बारे में देखेंगे और देखेंगे टाइप 68 असल में कैसा परफॉर्म करता है और आपको इसको खेलना कैसे है। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ उसके गन के बारे में। तो गन यहाँ पर देख सकते हैं, एमिंग टाइम ज़्यादा है, डिस्पर्शन भी ज़्यादा है, डैमेज पर मिनट एवरेज है। यहाँ पर आर्मर पेनिट्रेशन अच्छा है, 263 और 374, यहाँ पर आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होने वाला है। इसके साथ एवरेज डैमेज भी काफ़ी अच्छा है, 400 एवरेज डैमेज और 340 प्रीमियम के साथ। दोस्तों, गन लिमिट की बात करें तो यहाँ पे 6 डिग्री आपको देखने को मिल रहा होगा, लेकिन टाइप 71 की ही तरह यहाँ पे भी आपको वो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है इक्विपमेंट, जिससे कि आप उसको चेंज कर सकते हैं, जो मैं आपको दिखाता हूँ आगे। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे इंजन पावर की भी बात कर ले तो यहाँ पे मेरा इस समय 40 किलोमीटर पर आवर और इसके साथ रिवर्स 15 किलोमीटर दिखा रहा है, जो कि आपको काफ़ी अच्छा लग रहा होगा। लेकिन ये इसलिए क्योंकि मैं इक्विपमेंट यूज़ कर रहा हूँ, उसके लिए मैं आपको अभी चल के दिखाता हूँ। यहाँ पर आप इक्विपमेंट में जा करके देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर इम्प्रूव सस्पेंशन और उसी के साथ साथ वर्टिकल स्टेबलाइजर। दोस्तों, ये जो है ना, ये जो है इक्विपमेंट, ये अभी तक तो टाइप 71 और सिर्फ जापानीज लाइन के साथ है, लेकिन अगले अपडेट में काफ़ी सारे टैंक्स को मिलने वाला है। तो बेसिकली मैं आपको बता दूं यहाँ पे कि सस्पेंशन जो होता है, अगर आप इसको चूज़ करते हैं तो फिर आपको यहाँ पे स्पीड और जितने भी ओवरऑल स्पीड हो गया, मोबिलिटी हो गया टैंक का, और उसी के साथ साथ क्रॉसिंग कैपेसिटी, टर्न रेट, सब कुछ अच्छा हो जाता है काफ़ी ज़्यादा। वहीं पर अगर आप दोस्तों यहाँ पर वर्टिकल स्टेबलाइजर यूज़ करते हैं तो फिर आपको यहाँ पर गन लिमिट देखने को मिल जाता है, बढ़ जाता है। जैसे आप वहाँ पर देखिए 6 डिग्री है, लेकिन यहाँ पर देखिए जब मैं इसको एक्टिवेट करता हूँ तो ये 6 से बढ़ के +3 हो गया, यानी कि 9 डिग्री हो गया है। और यहाँ पे आप अगर मैं इसको चूज़ करता हूँ तो फिर यहाँ पर सस्पेंशन अच्छा हो जाता है, यानी कि 26 डिग्री हो गया एवरेज स्पीड, और टॉप स्पीड बढ़कर 40 किलोमीटर पर हो गया है। तो ये सब चीज़ें इसमें चेंज हो जाती हैं। अब दोस्तों, अगर आप सोचेंगे कि आपको कौन सा यूज़ करना चाहिए, इम्प्रूव्ड सस्पेंशन यूज़ करना चाहिए या फिर वर्टिकल स्टेबलाइजर, तो मैं कहूँगा कि ये अपने अपने प्रेफरेंसेस पे होता है कि किसको क्या ज़्यादा पसंद है। वैसे तो दोनों ही अच्छे हैं, लेकिन मैं पर्सनली यूज़ करना अच्छा लगता है मुझे सस्पेंशन। ऐसा इसलिए दोस्तों क्योंकि टाइप 68 जो है यहाँ पे, इसका जो आर्मर है ना, इसका टरेट आर्मर थोड़ा सा वीक है। इसके जो चीक्स है, इसको भी पेनिट्रेट किया जा सकता है। एक अच्छा टीयर 10 का टैंक ना इसको पेनिट्रेट कर सकता है, अच्छे पेनिट्रेशन वाला नॉर्मल हैवी टैंक भी। और इसी वजह से मुझे लगता है कि इसके ऊपर जो ये इम्प्रूव्ड यहाँ पे जो इम्प्रूव्ड गन लिमिट वाला है, ये उतना काम नहीं करेगा। क्योंकि अगर गन लिमिट आपका बढ़ भी गया ना, तब भी लोग आप हल डाउन पोजीशन पे आप काम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपका इतना वीक टरेट है कि लोग आपको पेनिट्रेट कर देंगे। लेकिन दोस्तों, सिर्फ इसका जो आर्मर है वो थोड़ा सा वीक है, बाकी सब इस टैंक का काफ़ी अच्छा है। गन की बात करें, मोबिलिटी अगर इसको यूज़ करते हैं तब भी, तो फिर इसलिए मैं मोबिलिटी यूज़ करता हूँ, जो कि स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, और अपने आर्मर को कम से कम एक्सपोज करने की कोशिश करता हूँ अपनी टीम के सामने। अब दोस्तों, चलिए मैं आपको बता देता हूँ एक बार आर्मर से रिलेटेड। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, आर्मर वीक है, टरेट आर्मर खास करके वीक है। मुझे लगता है इसको बफ की ज़रूरत है। अगर टरेट आर्मर इसका स्ट्रांग हो गया ना, तो फिर ये टाइप 71 से भी ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करेगा, ऐसा टैंक है ये। तो अब हम लोग चलते हैं सीधे सीधे बैटल फील्ड पर, और वहीं पर बात करेंगे आगे इस टैंक के बारे में। तो दोस्तों, देख सकते हैं कि हम आ चुके हैं यहाँ पर हमारे बैटल फील्ड पर, और देखते हैं कि हम यहाँ पर नेवल फ्रंटियर पे क्या कर सकते हैं। फिलहाल हम इस तरफ जाएंगे जो कि नॉर्मली लोग जाते ही हैं, और आप मेरे स्पीड से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मैं कौन सा समय इक्विपमेंट यूज़ कर रहा हूँ। चलिए, आप लोग अंदाज़ा लगाइए, मैं आपको आगे बताता हूँ। तो मेरे साथ एक और बंदा है जो कि टाइप 68 ही है, और उसने ब्लाइंड शॉट लेने की कोशिश की। अब लगा कि नहीं लगा मैं ये नहीं कह सकता फिलहाल तो, बट आप आगे देखिएगा। फिलहाल हम यहाँ पे इस पोजीशन पे आ गए हैं, जो कि ऑफकोर्स एक अच्छा पोजीशन है। सामने वाले एनिमी टीम में टाइप 68 स्पॉट हो गया। देखिए, आर्मर आपको जैसे मैंने बताया था ना कि आर्मर वीक है, हमने डायरेक्टली सामने वाले टाइप 68 के टरेट चीक को पेनिट्रेट किया, जो कि मैं बात कर रहा था। तो आप देख सकते हैं, एक बढ़िया शॉट हम यहाँ पे लेंगे 53 TP पे, और इसी के साथ हम दो शॉट के साथ पहुँच चुके हैं ऑलरेडी 800 डैमेज के साथ काफ़ी ऊपर।
अब सामने E75 उसके हम लोग बहुत बढ़िया बहुत शानदार यहाँ पे हम लोग उसके कपूला पे हम लोग यहाँ पे शॉर्ट शॉट लेंगे। और मैंने आपको बताया ये ऑलरेडी कि कपूला पे शॉट लेना ईजी नहीं है E75 के ऊपर, लेकिन यहाँ पे हम लोग ले पा रहे हैं क्योंकि दोस्तों इस टैंक का गन काफ़ी शानदार है। एक बढ़िया सा प्रीमियम शॉट हम लोग पेंट्रेट करेंगे उसके लोअर प्लेट पर क्योंकि उसने एक्सपोज कर दिया था, तो काफ़ी बढ़िया अभी मैच चल रहा है। आप देख सकते हैं हम होल्ड किए हुए हैं टाइप 71 की तरह, ये टैंक भी होल्डिंग में काफ़ी अच्छा है, बट जैसा मैंने आपको बताया जो इसका टरेट आर्मर है ना वो एक इसका वीक स्पॉट है। अब दोस्तों आप लोग ये भी सोच रहे होंगे कि इस गेम में हम इतना अच्छा परफॉर्म क्यों कर पाए, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे आप एक और चीज़ नोटिस करिए, हम टॉप टीयर पे हैं, तो फिर ये फ़ायदा मिलता है जब आप टॉप टीयर पे होंगे ना तो फिर आपके पास कोई भी यहाँ पे डिसएडवांटेज रहेगा ही नहीं। जैसा कि आप देख सकते हैं सामने जितने भी टीयर 8 के बंदे हैं मेरे सामने टिक ही नहीं पा रहे हैं, तो हमको सामने वाले टाइप 68 ने बाउंस किया, पता नहीं कैसे उसने बाउंस कर दिया, मतलब कि बिल्कुल ही आराम से पेट्रेट करना था उसको, बट कोई बात नहीं उसने बाउंस किया, तो हम उसके पीछे जाएंगे और एक बढ़िया सा शॉट लेकर कि हम उसको ख़त्म नहीं कर पाएंगे ऑफ कोर्स, क्योंकि यहाँ पे लकी मैं नहीं था, लकी वो था, क्योंकि ये बिल्कुल ही अजीब सा शॉट लग गया, मेरी गलती थी, वो बिल्कुल उसके एच पे लग गया कॉर्नर पर, इसलिए पेट्रेट नहीं कर पाए। और एक और शॉट जो कि मैंने गलती से यहाँ पर शॉट लिया, मतलब गलत शॉट लिया, वो लेना नहीं चाहिए था। और आप दोस्तों आप इस समय देख सकते हैं ना कि मैं कौन से यहाँ पे इक्विपमेंट यूज़ कर रहा हूँ, डेफिनेटली मैं यहाँ पे स्पीड वगैरह यूज़ कर रहा हूँ, आप लोग अभी तक समझ गए होंगे ये चीज़ ऑलरेडी, इसीलिए मैंने आपको बताया ना स्पीड इसमें ज़्यादा मायने रखता है मुझे लगता है पर्सनली। तो यहाँ पर हम बढ़िया शॉट लेंगे E75 के ऊपर और फायर भी उसके ऊपर लगा देंगे, इसी के साथ वो बंदा ख़त्म हो गया है। अब सामने हमारे M3U और साथ ही साथ T54 भी है, एक शॉट लेंगे हम लोग M3U के ऊपर क्योंकि वो स्टॉक गन और स्टॉक टरेट यूज़ कर रहा है, तो फिर ये हमारे लिए काफ़ी अच्छा है, बट हम पीछे बैकअप ले लेंगे क्योंकि एनिमी टीम के 3 बंदे बचे और हमारे साथ सिर्फ 2 बंदे बचे हैं, और एनिमी टीम के काफ़ी बंदे हेल्दी भी हैं, मतलब M6U काफ़ी हेल्दी, M5U सॉरी M3U, जैक पैंजर भी काफ़ी हेल्दी है और T54 भी काफ़ी हेल्दी है। तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे जैक पैंजर पे शॉट लेना चाहते थे बट अनफॉर्चुनेटली ये शॉट नहीं लगा, मतलब गलती थी मेरी, मैंने एम बिल्कुल ही नहीं किया, बट कोई बात नहीं उसने एक शॉट हम पे लिया तो हम एक और शॉट उस पर लेना चाहेंगे, बट देख रहे ना आप ये गन इस समय ट्रॉल कर रहा है मुझे बिल्कुल बुरी तरीके से। मैं जब गन की तारीफ करता हूँ टैंक की तो फिर गन उल्टा मुझे ही ट्रॉल करने लगता है, और हमारा M3U भी लगभग मर ही चुका है, तो फिर ये बिल्कुल भी अच्छा सिचुएशन नहीं है। तो देखते हैं हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि मैं जानता हूँ कि सामने वाला M3U यहाँ पे स्टॉक गन यूज़ कर रहा है, तो फिर देखना पड़ेगा क्योंकि अभी मैं अनस्पॉटेड भी हूँ, तो देखते हैं हम क्या कर सकते हैं। फिलहाल एक शॉट हम लेंगे यहाँ पे M3U के ऊपर, और मैं होप कर रहा हूँ कि T54 और जो जैक टाइगर है उसके आने के पहले मैं यहाँ पे M3U को ख़त्म कर पाऊँ। एक शॉट लेंगे हम बढ़िया सा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये रोल लो रोल था, मतलब यहाँ पे तो लो रोल ना होता तो फिर वो बंदा ख़त्म ही था, और यहाँ पे मैं लकी था थोड़ा सा कि यहाँ पे जो T54 है वो मेरे सामने मेरे पीछे से आने की जगह ना वो मेरे सामने से आया, तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ हो गई मेरे लिए। और जैक टाइगर के लेकिन मुझे अभी भी डर है क्योंकि जैक टाइगर बहुत डेंजरस टैंक है। एक अच्छा सा शॉट हम लेते हैं यहाँ पे T54 के ऊपर, और वो T54 क्या कर रहा है मुझे लगता है कि उसको खुद भी आइडिया नहीं है, देख सकते हैं बिल्कुल नूबड़े तरह खेल रहा है, पूरा हेल्थ है उसके पास, वो आराम से मुझे पुश कर सकता है, बट कोई बात नहीं हमें क्या, हम यहाँ पर जीत रहे हैं तो फिर हमें क्या। वो हम पे एक शॉट लेता है फाइनली, बट स्टिल हम एक और शॉट लेकर के उस पर ख़त्म कर सकते हैं, और वही हमने किया। अब जैक टाइगर यहाँ पे बहुत ही बड़ी बेवकूफ़ी कर रहा था कैप करने की, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ ना कि ये टैंक, मतलब कि इसलिए मैं ये कहता हूँ ना कि जो अच्छे गेम्स होते हैं जो मास्टरी वाले गेम्स होते हैं उसमें बहुत बड़ा आपका लक भी ज़रूरी होता है। अब वो जैक टाइगर अगर कैप करने की जगह ना मुझे मारने आता तो फिर बड़े आसानी से वो जीत जाता, बट वो नूब था और वो वहाँ पे स्पॉट हो गया। लेकिन अभी भी आप एक चीज़ ध्यान रखिए दोस्तों, वो जो जैक टाइगर है वो काफ़ी ज़्यादा हेल्दी है और मैं सिर्फ 1 शॉट हूँ उसके लिए, 1 शॉट या 2 शॉट। तो हम देखते हैं यहाँ पे एक बढ़िया शॉट हम लेते हैं यहाँ पे, काफ़ी मतलब कि हल्का सा वो शॉट अगर मिस होता तो दिक्कत हो सकता था, तो फिर यहाँ पे मैं उसको वैसे पीछे जा कर उसको सर्कल करने की कोशिश करता हूँ फ्लैंक करने की, बट इतना फास्ट मैं नहीं हूँ, तो कोई बात नहीं हम देखेंगे कि हम क्या उस पर एक और शॉट ले सकते हैं, एक बढ़िया सा और शॉट। तो इस समय आप देख सकते हैं कि कहाँ पर इसका गन और इसका पेनेट्रेशन, जो मैंने आपको बताया ना पेनेट्रेशन इसका काफ़ी शानदार काम कर रहा है,
एक और बढ़िया शॉट हम लेते हैं जैक टाइगर के ऊपर और उसी के साथ उस बंदे को भी ख़त्म करते हैं। तो देखा दोस्तों आपने कितना अच्छा यहाँ पे ये गेम निकल के आया, 7156 डैमेज, और इसी के साथ साथ हमें मास्टरी भी देखने को मिला हमारे टाइप 68 के ऊपर। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं ये टैंक कितना अच्छा परफॉर्म करता है बैटल फील्ड के अंदर, जैसे कि मैंने आपको दिखाया। और मैंने आपको डेफिनेटली कहा है कि टाइप 68 काफ़ी अच्छा टैंक है, बहुत कुछ इसमें सिमिलैरिटी है टाइप 71 की तरह, बट एक यहाँ पर इशू है ना कि इसका टरेट आर्मर अच्छा नहीं है। और जो मैंने आपको दिखाया था रीप्ले वो था यहाँ पर टीयर 9 के खिलाफ, वहीं पर अगर टीयर 10 होते वहाँ पर तो फिर मुझे स्ट्रगल करना पड़ता, क्योंकि टीयर 10 के बंदे बड़े आसानी से मुझे पेनिट्रेट कर देते टरेट के ऊपर से। इसीलिए मुझे लगता है कि वॉर गेमिंग को इसके टरेट को थोड़ा और अच्छा करने की कोशिश करना चाहिए। अगर वो इसको बफ करते हैं ना तो फिर ये टैंक वन ऑफ द बेस्ट टैंक निकल के आ जाएगा पूरे गेम का, पूरे टीयर 9 का। इसलिए दोस्तों बस यही था आज इस वीडियो, और टाइप 68 बहुत अच्छा टैंक मैंने आपको बताया, लेकिन अगर आपको यूज़ करने अच्छे से आता हो तभी, और अपने हिसाब से आप इक्विपमेंट यूज़ कर सकते हैं जो भी आप चाहें। वैसे फिलहाल मैं तो अपना यूज़ करता हूँ यहाँ पर इम्प्रूव्ड सस्पेंशन, क्योंकि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे इसका टरेट आर्मर वीक है। तो बस दोस्तों आज वीडियो के लिए इतना ही था, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा टाइप 68 के ऊपर, और कोई भी डाउट होगा आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो दोस्तों मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड सी या।